भैया क्यों ना हम गाड़ी यहाँ ले आए घर पे, यहाँ मैया को सरप्राइज दे देंगे और फिर गाड़ी में बैठ के वृद्धाश्रम चलेंगे। ये अच्छा आइडिया है जीजे, तू गाड़ी वाले को फोन करो और बोलो कि गाड़ी घर लेकर आए। कुसुम फोन दो, अपने फोन से करो। तकल्लुफ की बात ये है कि तुम्हारा दिमाग और हमारे फोन का बैलेंस दोनों खाली है। दो। ज्यादा होशियारी मत करो वरना। तुम दोनों को लड़ना है ना, आराम से जाके कमरे में लड़ना बाद में, लेकिन पहले जीजे वो गाड़ी वाले को फोन करो। चलो रजिया सुल्तान, चलो मैदान में। स्कूटर ना हां चलो। अरे ऐसे मारोगे क्या? लोग क्या कहेंगे? हे भगवान। चलो इस बात की खुशी है कि मैया के जन्मदिन के लिए कुसुम भी हमारी पार्टी में है। सब कितने उत्साहित है ना मैया को ये सरप्राइज देने के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है। और एक तरफ वो कमल है, अरे कौन बेटा अपने पिता के जन्मदिन के दिन उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ के आता है। कन्हैया जी, आप कमल जी से बात क्यों नहीं कर लेते? हाँ, आज शाम को जीजे और मैं कमल से बात करने जा रहे हैं। मतलब कि ये कमल से पूरी जानकारी लेगा कि मुझे वृद्धाश्रम भेजने के लिए क्या कार्रवाई करनी पड़ेगी। मतलब आज मेरा इस घर में आखिरी दिन है। कुंती फोन क्यों नहीं उठा रही है? सुबह टहलने भी नहीं आती, इतने फोन कर रही हूँ, फोन का एक जवाब नहीं, कहाँ चली गई होगी? नहीं चतुर्वेदी जी, चने नहीं चाहिए आज। ले लो, सुबह से बोनी नहीं हुई है। कुंती चने क्यों बेच रही है? तू भूल गई सरला, चतुर्वेदी जी चने क्यों बेचते हैं? हाँ, इसका मतलब कन्हैया ने भी तुझे वृद्धाश्रम भेज दिया? हाँ सरला, जन्मदिन का तोहफा मिल गया मुझे। पर तू मुझे एक बार बताती तो सही, एक फोन तो कर देती, फिर तू मुझे अपने घर ले जाती। और नहीं, मैं भी तुझे कन्हैया के साथ वृद्धाश्रम छोड़ने आती ना। सहेली है तू मेरी, बरसों का साथ रहा है, इतना फर्ज तो बनता है ना मेरा तेरे लिए भी। अब 9 महीने जिसे पेट में रखा उसने छोड़ दिया, फिर तू छोड़ने आए या ना आए क्या फर्क पड़ता है? वो भी है, पर तू मुझे एक बात बता, ये वहाँ पे रहने की खाने पीने की सब सुविधा ठीक है ना? कोने में रहती हूँ, गम खाती हूँ, खुद के आंसू पीती हूँ और खर्चा चलाने के लिए चने बेचती हूँ। चने ले लो, चने गर्मा गर्म चने। ए, कुंते, चने वाली, चने कैसे दिए? ऐसे चने दे रही हो, क्रिकेट खेल रही है। लल्ला कैसा है तू? जब से छोड़ के गया पूछने भी नहीं आया मैया को। अरे हम पूछ रहे हैं चने कैसे दिए और तुम लोग कुछ भी बोले जा रहे हो। कुंते आपकी औकात कितनी है? चने जल गए लेकिन बल नहीं गया। कन्हैया ये क्या कर दिया तूने? आंटी जो भी किया सही किया, सबकी खुशी के लिए किया। अब घर में सब खुश है, सब आराम से गाड़ी में बैठ के घूमने जाते हैं, बाजार जाते हैं, सिनेमा जाते हैं, सब ठीक है आंटी। हाँ हाँ, अब एक जन कमजोर हो गया। ओ कुत्ते, खुद के धंधे का समय खुद ही खराब कर रही हो। चने मांग रहा, 2 रुपए चने दो। नमक कमक मारो बढ़िया से। लो चलो चलो चलो। अरे पैसे तो दो। कैसे पैसे कुत्ते, घर में थे तो ढेला नहीं थी, आज 2 रुपए चने क्या ले लिए, जान जा रही है क्या? कुंते अब मैया ककर पैसे नहीं लेना है? ले मैया, ले। भगवान तुम्हारा भला करे। कुछ भला वाला नहीं, ला 3 रुपए वापस दो कुंते। जल्दी करो भाई, बीवियां इनकी इंतजार कर रही हैं। इतने सालों बाद तो समय मिला आपके जाने के बाद, क्यों जरा जा? हाँ बिल्कुल, पर ये छोड़ो ना ये 3 रुपए, अभी जाओ, देर हो रही है, हमें मेले पे जाना है ना सबके साथ, चौरसिया मामा की गाड़ी में बैठ के। हाँ भैया 3 रुपए बाद में ले लेंगे। एक मिनट, 3 रुपया
कुंती सच बोलो, मुझे तो लगा ही था कि तेरा बुढ़ापा वृद्धाश्रम में ही जाएगा। अरे ये चतुर्वेदी जी की एक बहू है तो वो वृद्धाश्रम पहुंच गए। तेरी तो पांच पांच बहू है। तेरे लल्ले को तो बदलना ही था ना, पांच पांच बहुए क्या आई, तेरा बेटा तेरे हाथ से। चने ले लो चने। कन्हैया ने कर दिया, कन्हैया ने कर दिया, क्या कर दिया? मैया मुझे लगता है तूने डरावना सपना देखा है, शांत हो जा। खामखा डरवा दिया तूने, डरी गई मैं तो। रुक, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। जन्मदिन की बात ना करे तो अच्छा है। मुझे पता है मेरे जन्मदिन पे क्या होने वाला है। तुझे पता है? हाँ, बूढ़ी हो गई हूँ लेकिन घर में क्या हो रहा है देख सुन और समझ सकती हूँ। तुझे क्या पता है? यही कि मुझे घर से बाहर भेजा जा रहा है। लो सरप्राइज का पटाखा फुस हो गया। मैया को तो पता चल गया कि मैया को बाहर लेके जा रहे हैं। मतलब कि तुझे भी पहले से ही पता था? हाँ मैया, लेकिन तुझे किसने बताया? जरा नाम बताना। मुझे किसने बताया वो छोड़, लेकिन तेरी माँ को घर से बाहर भेजा जा रहा है, तुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं? नहीं मैया, मुझे तो इसमें कुछ गलत नहीं लगा। तुझे कुछ गलत नहीं लगा? नहीं, अच्छी बात है ना मैया, पूरा दिन भाभी घर का काम करती हैं, इसीलिए तो ये फैसला लिया गया उनका काम हल्का करने के लिए। मेरी खुद की बेटी ऐसा कह रही है? हे भोलेनाथ, कुसुम तुझे पता है वो लोग मुझे वृद्धाश्रम ले जाना चाहते हैं। लो इन्हें ये भी पता चल गया, मैया गड़बड़ हो गई है। वो मुझे वृद्धाश्रम ले जाना चाहते, इस बात से भी तुझे कोई दिक्कत नहीं है? नहीं मैया, मेरी तो इच्छा थी कि सुबह होते ही तुझे माँ ले जाए, लेकिन प्रार्थना भाभी उन्होंने कहा कि कोई अच्छा काम करने से पहले मंदिर जाना जरूरी है। कुसुम तुझे सब कुछ पता था फिर भी तूने मुझे नहीं बताया। दुनिया चाहे मेरे कितनी भी खिलाफ क्यों ना हो जाए, लेकिन तू और मैं तो हमेशा से एक ही टीम में है ना? लेकिन इस बार मैं भैया की टीम में हूँ। कुसुम राखी की डोर से माँ का पल्ला बड़ा होता है, लेकिन राखी पे तोहफा मिलता है। कुसुम एक तुझ पे ही भरोसा था और तूने भी। ओहो मैया, अब जो हो गया सो हो गया, अब तुझे पता चल गया तो ठीक है। देख तू किसी को बताना मत कि तुझे पता चल गया, सब तो यही समझेंगे ना कि कुसुम ने चुगली की। और हाँ, जब वो सब कहेंगे ना सरप्राइज, तो तू भी सरप्राइज हो जाना प्लीज। ठीक है मैं जाती हूँ, तू प्लीज। हाँ इसका मतलब वो लोग बोलेंगे भैया तुझे आज से वृद्धाश्रम रहना है सरप्राइज, और मैं ऐसे, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। दीदी केक कैसा बना है? बोली ये तो अत्यंत नयन रम्य एवं ललसा प्रेरक प्रतीत हो रहा है। मन तो मेरा भी कर रहा है खाने का दीदी, पर माची एक बार अपने हाथों से काटे फिर हम खाएंगे। सत्य। अरे क्या कर रही हो? प्राणनाथ, हमने मैया के जन्मदिन के अत्यंत शोभनीय अवसर पर यह मिश्री मिश्रित गोलाकार अनानास मालपुआ मिष्ठान निर्मित किया है। माँ जी के केक बनाया है, समझ में आ गया, लेकिन कहा है, हमने मना किया था ना घर में कोई चीज नहीं बनाएंगे। देखिए कन्हैया जी, कल तो सारा खाना बाहर से ही आ रहा है, लेकिन जन्मदिन के दिन कुछ तो खाना घर पे भी बनना चाहिए ना, शगुन होता है और फिर हमें भी लगेगा कि हमने माँ जी के लिए कुछ किया। ठीक है ठीक है, लेकिन इसके बाद कुछ और नहीं बनाओगी तुम? खुदा खैर करे जालिम मियां, आपने इन्हें रोक दिया, वरना इनकी खाने की रेल तो निकल पड़ी थी। ऐसे मोहतरमा अपने खाने की सूची बताएंगे क्या बनाने वाली थी? मुलाजा फरमाए साले साहब। गाजर का हलवा, सूजी का हलवा, सेवैया, खीर, गुलाब। बस 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 बस, जो खाना बनाना ही नहीं है उसकी सूची बुलवाने का फायदा क्या है? अच्छा हुआ हमने ये जश्न घर में नहीं रखा, वरना आप पांचों तो खातिरदारी में ही लगी रहती।
हम भी जब भी इस घर में जश्न हुआ दरबान बन के दरवाजे पे खड़े होकर सबका स्वागत किए, वेटर बन के सबको खाना पीना भी खिलाए, ड्राइवर बन के कभी कभी घर पे भी छोड़े। सासू माँ की किस्मत अच्छी है जो हमारे जैसे बहुमुखी प्रतिभावान देवता जैसा दामाद मिला है। जीजे तुम अपने आप को इंद्रदेव काहे नहीं घोषित कर देते हो? माँ कसम घोषित तो हम कब का कर देते, लेकिन मानेगा कौन? इस घर में तो हमको घर की मुर्गी दाल बराबर ही समझा जाता है ना। ये घर तो हमारे लिए वृद्धाश्रम ही है। वृद्धाश्रम? वृद्धाश्रम से स्मरण हुआ, क्या चतुर्वेदी काकाश्री के संदर्भ में आपने कमल भ्राताश्री से वार्तालाप कर ली? कन्हैया जी, आपने कमल भैया से बात की? पूछ रही है दीदी। अरे खुशखबरी देना तो हम आपको भूल ही गए, हमारी कमल से बात हुई थी और हमने उसे समझाया भी, वो चतुर्वेदी अंकल को घर लाने के लिए मान गया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। साले साहब ने पूरे 2 घंटे बात किया कमल से। जीजे कमल हमारा दोस्त है और हमें खुशी है कि अपने पिता के साथ वो जो कर रहा है वो सही है। सिर्फ सही नहीं कर रहा, बहुत जरूरी भी है। अपने बूढ़े माँ बाप को घर से निकालना जरूरी है? अम्मा मियाँ, हम तो कहते हैं कि कमल से पूरे मेरठ को सीख लेनी चाहिए। आर्य भगनी आर्य, अंजुरी जी जरा अनुवाद फरमाएंगी। आर्य भगनी आर्य यानी कि पति के बहन के पति, यानी कि नंदोई जी। अच्छा अच्छा, आगे बोलिए आगे बोलिए। हमारे आर्या भी तो अपनी जननी के जन्म दिवस पर यह शोभनीय कार्य संपन्न करने जा रहे हैं। निसंदेह वह भी प्रशंसा के पात्र हैं। हमारे कन्हैया जी भी तो सराहनीय काम कर रहे हैं, कह रही हैं दीदी। अरे हम अकेले थोड़ी ना कर रहे, आप लोगों ने भी तो साथ दिया है। कमल की पत्नी से तो आप लोगों ने भी बात की ना। वाह 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 वाह, तुम दोनों आपस में तारीफों का जयमाला पहनाओ, हमने तो कुछ किया ही नहीं। अरे जीजे सबने बहुत कुछ किया। सब कितना खुश हो रहे। चलो जिसने जो किया सो किया, लेकिन भाइयों बहनों हम तो कहते हैं पूरे मेरठ में इस बात की चर्चा होनी चाहिए, साले साहब के नाम की बड़ाई होनी चाहिए और सबके जुबान पर एक ही नारा होना चाहिए, चलो वृद्धाश्रम। ये तो आंदोलन छेड़ देंगे। भाइयों बहनों ये एक विचार मात्र नहीं होना चाहिए, ये बात एक आंदोलन के रूप में हर किसी के दिमाग और दिल में आनी चाहिए। आज सासू माँ जाएंगी, कल सरला आंटी जाएंगी, परसों मीनू आंटी जाएंगी, तरसों कोई और, हर किसी को वृद्धाश्रम लेके जाएंगे। सब उसके घर वाले भी खुश और पूरा मेरठ भी खुश। हे भोलेनाथ, ये तो पूरे मेरठ के बुजुर्गों को वृद्धाश्रम भेजना चाह रहे। पंचगुनी बहू मांगी थी पर मेरे लल्ला के सारे गुण खो जाए ये तो नहीं मांगा था, ये तो अनर्थ हो रहा है। अब आप ही बचा सकते मुझे और पूरे मेरठ के लोगों को। क्या तेरे दामाद ने ऐसा कहा कि तेरे बाद मेरी बारी है वृद्धाश्रम जाने की? हाँ, और तेरे बाद बिमला का और पूरे मेरठ के बूढ़ों का मेला लगा देंगे वृद्धाश्रम में। और तो और मेरी बेटी कुसुम भी उनसे मिल गई है, पता नहीं क्या जादू कर दिया है उसके ऊपर। तू भी अपना बोरिया बिस्तर तैयार कर ले, मेरे बाद तेरा ही नंबर लगने वाला है सरला। नहीं नहीं, मेरा बेटा माने तब ना। जितना विश्वास तुझे अपने बेटे पे है ना, उससे 1000 गुना विश्वास मुझे अपने लल्ला पे था। मेरा बेटा ऐसी टेढ़ी बात करेगा ना तो मैं उसे 2 कंटाप लगा के सीधा कर दूंगी। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं है ना तेरे साथ में कुछ गलत नहीं होने दूंगी, ये सब अपनी बहुओं की कारस्तानी है। नहीं कुंती, कुंती रोना नहीं, सब देख रहे हैं कुंती, रोना नहीं। चुप चुप चुप, हम अपनी बहुओं के लिए गोद भराई के सपने देखते और अपनी बहुएं हैं कि हमारे बेटे के कान भराई करती है। तू देख मैं कैसे तेरे कन्हैया, तेरी कुसुम और तेरे दामाद और तेरी बहुओं की अकल ठिकाने लगाती हूँ। चल। हेलो हेलो कमल, अरे अरे आवाज नहीं आ रही है, अरे जोर से बोल। हेलो कुंती, लगता है कन्हैया बाहर आ रहा है, तू एक काम कर तू उधर छुप जा और फिर देख सरला का तांडव। सरला थोड़ा धीरे नाचना कहीं टूट ना जाए। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। अच्छा सुन, मैं और जीजा तेरे पास आ रहे हैं, बाकी बातें मिलके करेंगे।
हाँ अभी आ रहे, चलो जी, जी, जी। रुको मोहतरमा, आपकी आंखें बड़ी क्यों हो रही हैं? ज्यादा गैस हो गया है? आप तो चुप ही रहिए। कन्हैया तू क्या कमल से मिलने जा रहा है? आजाद मुल्क के नागरिक हैं हम, किसी से भी मिल सकते हैं, आपको क्या परेशानी है? कमल मियां हमारे साले मियां के पुराने दोस्त हैं बचपन के, कभी इतने दिनों में रूबरू नहीं हुए तो मिलना चाहते हैं, दिल जमाई करना चाहते हैं। आप अपने हाथ के फाटक को हटाइए और हमें जाने दीजिए। कन्हैया मुझे एक बात सच सच बताना, तू क्या कुंती को वृद्धाश्रम ले जाने वाला है? चले मियां, ये कैसा राज है जो सबको पता है? आंटी आपको कैसे पता? मतलब ये सच है? हाँ आंटी, हमारा ही आइडिया था। कन्हैया कल उसका जन्मदिन है, तू उसे ऐसा तोहफा देगा? आंटी जन्मदिन पे वृद्धाश्रम जाना कोई बुरी बात तो नहीं होती? आपको भी ले जाएंगे वृद्धाश्रम आपके जन्मदिन पे? मुझे नहीं जाना। तो क्या अंडमान निकोबार जाओगी काला पानी का सजा काटने? आप चुप रहिए। कन्हैया माना कि दामाद जी को बुरा ना लगे, लेकिन तुझे भी बुरा नहीं लग रहा कि तू तेरी माँ को वृद्धाश्रम ले जा रहा है? आंटी इसमें बुरा मानने वाली बात कहाँ है? अरे ये फैसला वृद्धाश्रम ले जाने का इसलिए किया गया है ताकि सारी बहुएं ही सेवा के चक्कर से बचे, ताकि वो भी खुल के मजे कर सके। बहुओं के लिए मैया को बलि चढ़ा दिया? अरे बहुओं का छोड़ अपनी माँ का सोच। आंटी आंटी ये मैया के सुख सुविधा का सारा बंदोबस्त कर दिया मैंने, आप समझ नहीं रही हैं। अरे लेकिन वहाँ पे खाना पीना के? आंटी सब बंदोबस्त कर दिया हमने आंटी। पर वो अकेले? अरे आंटी अकेले कैसे, सब लोग है ना वहाँ पे, और आंटी वृद्धाश्रम के लोग बड़े मिलनसार हैं। हमने चतुर्वेदी अंकल से पूछा है मैया को वहाँ पराया नहीं लगेगा। अरे हम तो यही सोच रहे थे आंटी कि ये विचार हमें अभी काया आया, पहले क्यों नहीं आया? यहाँ अपनों ने पराया कर दिया तो परायों से क्या उम्मीद रखूं? बेटा तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे खाला जान आपका चेहरा ये चाय में डुबा हुआ बिस्कुट का तरह क्यों हो गया? आपको खुशी ना हो रही है? इसमें खुशी होने वाली कौन सी बात है? अच्छा तो अभी हमारे दिमाग के शरीक में ख्याल आया है कि आप दुख क्यों मना रही हैं? कि आपके बेटे को ये नेक ख्याल क्यों नहीं आया? क्या? हाँ कोई बात नहीं है, फिक्र ना करें, हमारे साले साहब के नक्शे कदम पे आपका बेटा भी चलेगा देख कर, अगर ना चला तो हम करेंगे। हमने तो ठान लिया है कि पूरे मेरठ को सही रास्ते पर लाएंगे, नेक काम के लिए प्रेरित करेंगे। कुलन कमल, हेलो कमल, बस बस हम निकाल ही रहे हैं, बस बस निकाल ही रहे हैं, बस पहुंच रहे हैं, बस कमल राह दिखाओ। आंटी अभी जाना है, बहुत काम करना है, बाद में बात करते हैं। कन्हैया मेरी बात सुन तो। इजाजत दे मोहतरमा, फिक्र ना करें, अगला नंबर आपका है। जी जी चलो। देखा खुद ब खुद कबूल लिया ना, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये दिन देखने को मिलेगा। अब तो किस्मत में वृद्धाश्रम में और चने की टोकरी। कुंती रो मत, देख कुंती देख, चने ले लो चने।